OPTCL में वैकेंसी निकला है, उड़ीसा पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये ज्वाइनिंग करना बहुत आसान है, आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ये वीडियो को कंप्लीट वीडियो देखना पड़ेगा और दोस्तों के साथ शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों को भी पता चले कि OPTCL में वैकेंसी निकला है और वो लोग भी अप्लाई करें। ओके, और ये जो नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ये टोटल 9 पेजेस है और ये कंप्लीट मैं आपको रीड करके डिटेल्स बताऊँ तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको डिटेल्स में 2 से 3 मिनट्स में मैं आपको डिटेल्स समझा देता हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अर्जेंट वैकेंसी इन OPTCL, जो मैं ऑलरेडी आपको बता दिया कि OPTCL में वैकेंसी है। अगर आप हमारा चैनल पर नया आए हो तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम आगे जो भी वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, और बता दूं कि हमारा चैनल पर जॉब नोटिफिकेशन के साथ साथ ऑनलाइन घर बैठ के कैसे अर्न कर सकते हो उसके लिए भी हम वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर भी इंटरेस्ट रखते हो तो फिर हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ऑल में रखें, ये हमेशा बोलता हूँ। और ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हो तो डिजिटल दीपंकर फेसबुक पेज को फॉलो करें, और इंस्टाग्राम आईडी आपको शायद पता होगा, फ्रेंड्स रूट हमारा इंस्टाग्राम आईडी है। ओके, तो सर्च करके आप फॉलो कर सकते हो, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। चलिए हम OPTCL जॉब के बारे में बात करते हैं। ये पोस्ट का नाम है जूनियर मेंटेनेंस एंड ऑपरेटर ट्रेनिंग। ओके, अभी रात को 12 बज रहा है और मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, और मैं भी आप लोगों से ऐसे ही थोड़ा कोऑपरेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों से थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। तो चलिए फिर हम क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। क्वालिफिकेशन इसका प्लस टू या एबव। ओके, आप प्लस टू या 12th पास करने के बाद आप और कोई क्वालिफिकेशन, मतलब प्लस थ्री या डिग्री विग्री किए हो तो भी चलेगा, आप अप्लाई कर सकते हो, बट प्लस टू इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए। और टोटल वैकेंसी इसका 200 है, टोटल वैकेंसी 200 है, और लास्ट डेट इसका है 14 अक्टूबर 2021, मतलब आपके हाथ में अभी 1 मंथ टाइम है, आप अप्लाई कर सकते हो। और एक बात और फिर से बता दूं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और साइड में बेल आइकन है उसे भी ऑल में रखना, और थोड़ा सा आप दोस्तों के साथ, आप लोगों का दोस्तों के साथ या ग्रुप्स में थोड़ा शेयर कर देना, ठीक है। और सैलरी इसका है 11,500 से शुरू होता है और 18,530 तक आपको सैलरी इसके अंदर, इसी पे स्केल में चलता है इसका सैलरी, और इसी के अंदर आपको भी सैलरी मिल जाएगा। ओके, उसके बाद आता है एज लिमिट। आप किसी भी जॉब करने जाओ, एज लिमिट होता है, हर जॉब में एक एज लिमिट होता है, मिनिमम एंड मैक्सिमम एज। जैसे कि यहाँ पे मैक्सिमम एज है 32 ईयर्स और मिनिमम एज है 18 ईयर्स। ओके, 18 से 32 के अंदर आपका एज है तभी आप अप्लाई कर सकते हो। बट और कुछ कंडीशन होता है, टर्म एंड कंडीशन, जैसे कि एज रिलैक्सेशन, में यहाँ पे आपको बता दूँ, जैसे कि मैं बताया था कि यहाँ पे आपको कम टाइम में, मैं आपको 2 से 3 मिनट में मैं आपको ऑल डिटेल्स बता दूंगा, यहाँ पे मैं वैसा ही बता रहा हूँ कि एज रिलैक्सेशन है कुछ। OBC के लिए 3 ईयर्स, मतलब जो बोला अभी 32 ईयर्स, आपका 32 ईयर प्लस 3 ईयर, मतलब 35 ईयर है तभी आप अप्लाई कर सकते हो। SC ST के लिए 5 ईयर्स, और एक्स सर्विसमैन, जो लोग रिटायर्ड हो चुके हैं एक्स सर्विसमैन, उन लोगों के लिए 10 ईयर्स रिलैक्सेशन है, मतलब 32 + 10 42 ईयर है तभी भी आप अप्लाई कर सकते हो, बट 42 ईयर के नीचे होना चाहिए, ऊपर नहीं। ओके, बिलो 42 ईयर्स तभी भी एक्स सर्विसमैन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है फी, रजिस्ट्रेशन के लिए कितना पैसा लगेगा। SCBC और जनरल कास्ट के लिए 500 और SC ST और PWD के लिए 250। ओके, उसके बाद आता है सिलेक्शन प्रोसेस, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग जाके नोटिफिकेशन में 9 पेजेस में ढूंढेंगे कहाँ पे लिखा है सिलेक्शन प्रोसेस, कैसे सिलेक्शन होगा, तो यहाँ पे मैं आपको इजीली बता देता हूँ। जैसे कि मैं आपको वादा किया था वीडियो शुरुआत से कि यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो CBT होता है वो एक रहेगा, फर्स्ट आपका CBT होगा। ओके, यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे आएगा, 80% सब्जेक्ट नॉलेज, मतलब आपका जो 12th में या फिर 10th में आपका जो सब्जेक्ट होता है 12th में, वहाँ पे जितने सारे कोर्स 12th और 10th इसी के अंदर, सब्जेक्ट के अंदर आपको 80% क्वेश्चंस आ जाएगा, और 10% आएगा न्यूमेरिकल, GK एंड रीजनिंग, और 10% इंग्लिश नॉलेज, ग्रामर के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आएगा, और ये सब मल्टीपल चॉइस रहेगा। ओके, आपको बस आंसर चूज करना है, और टोटल मार्क 200 रहेगा, और टोटल टाइम 3 आवर दिया जाएगा, 3 घंटे के अंदर आपको 200 क्वेश्चंस का आंसर देना है, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, इतना एक्सप्लेन करके शायद आपको कोई नहीं बताएगा, और कोई बताएगा तो 1 घंटा टाइम ले जाएगा, और मैं आपको बहुत कम टाइम में समझा दिया।
और उसके बाद आता है स्किल टेस्ट, जो सीबीटी क्वालिफाई कर दिए हो गया जिसका सीबीटी क्वालिफाई, उसके बाद आता है स्किल टेस्ट और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। अभी स्किल टेस्टिंग क्या होता है, जो बड़े बड़े टावर होता है या फिर इलेक्ट्रिक खंभा होता है उसके ऊपर आपको चलने के लिए बोलेंगे, और ये स्किल टेस्टिंग में जो लोग क्वालिफाई करेंगे उसके बाद आप लोगों का सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन आप सभी लोगों को पता होगा, इसके ऊपर और बात नहीं करेंगे। फिर भी बता दूं कि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपका वेरिफिकेशन करेंगे, मतलब जो आप ऑनलाइन अप्लाई किए थे, जब ऑनलाइन अप्लाई किए थे जो डिटेल्स आप एंट्री किए थे वो सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ सही है या गलत है, ये सब वेरिफिकेशन होगा। आपका सही होगा तो फिर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन भी क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपका जॉइनिंग ओके। और अब हम अप्लाई कैसे करेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अप्लाई हम कैसे करेंगे। ये ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, अभी तो ऑनलाइन चल रहा है ठीक है। और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए पहले डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वो लिंक को ओपन करो। मैं जैसे यहाँ पे ओपन कर रहा हूं, और ओपन करने के बाद यहाँ पे जो लॉग इन है, जो लोग ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं उनका कुछ मतलब गलती हुआ है या कुछ भूल हुआ है तो आप लोग यहाँ पे दोबारा लॉगिन करके आईडी पासवर्ड लॉगिन करके सही कर सकते हैं। और जो लोग न्यू रजिस्टर करना चाह रहे हैं, मतलब न्यू अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे न्यू रजिस्टर पे क्लिक करें और आपका डिटेल्स फिलअप करें और अप्लाई करें। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, कि आप लोगों को जैसे इसका डिटेल्स मिल गया तो आपका दोस्तों को भी मिल जाए और वो लोग भी अप्लाई करें। और ऐसे आगे बहुत सारा जॉब का वीडियो आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए।